देश में कई रिटायर्ड कर्मचारियों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला शातिर ठग गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार उड़ीसा निवासी शातिर ठग को कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि रायपुर के बैरन बाजार इलाके में रहने वाले आरडीए से रिटायर्ड बुजुर्ग रविशंकर दीक्षित को ट्रेडिंग कंपनी में मुनाफा कमाने का लालच देकर 89 लाख की ठगी कर आरोपी फरार हुआ था। शातिर ठग देश में रिटायर्ड बुजुर्गों की तलाश कर उनके घर के आसपास किराए का मकान लेकर रहता था, साथ ही उनसे दोस्ती और ट्रेंडिंग कंपनियों में मुनाफा कमाने का लालच देकर ठगी कर फरार हो जाता था। वहीं शातिर ठग से खिलाफ महाराष्ट्र के नागपुर अकोला समेत कई जिलों में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुट गई है। थाना कोतवाली में पंजीबद्ध अपराध 420 का आरोपी जो 89 लाख रुपए का ठगी किया था, जिसको हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है, कलकत्ता से इसको गिरफ्तार किया गया है। ये पूरे देश भर में विभिन्न जगहों पर ट्रेडिंग कंपनी से मुनाफा देने का लालच करके लोगों को ठगता था। इसके खिलाफ महाराष्ट्र में भी अपराध पंजीबद्ध है।